गुड मॉर्निंग, हाँ नमस्ते शानी। ये देखो कितने प्यारे लव बर्ड। मुर्गी पालन में भी सबसे अच्छी मिलता है। हेलो ये हेलो उड़ गया। ये देखिए ये दीप जलाने वाली जगह कितनी ऊंची है माता जी के दरबार में। और ये देखिए शिवाय चोरी, हेलो बोलो। वेरी गुड। और देखिए दीपदान करने की जगह हम यहाँ आ चुके हैं। और जो लोग भी महाराज राजेश्वरी के दर्शन करना चाहते हैं वो कर ले। वो देखिए राज राजेश्वरी का द्वार। और इधर मंदिर और ये प्रांगण है, यहाँ बच्चे खेलते भी हैं तो आसानी स्केटिंग करने आई है। और इधर देखिए महाराज राजेश्वरी आने के लिए पूरी बसें लगी हुई हैं, उस पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम यहीं रहते हैं। शिवा एक स्केट ले लिया है, वो पहनने के लिए बोल रहा है। अब सानवी को इसको दोबारा दूसरा पहनाया जा रहा है। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका पराभट्टारिका भगवती ललिताम्बा महात्रिपुर सुंदरी श्री राज राजेश्वरी माता की जय। तरह का डोसा ही है ये भी। और बच्चे पोहा नहीं खाते दोनों, तो हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने तो पोहा और चाय खा लिया था, तो बच्चों के लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल डोसे की तरह ही लगता है, खाने में भी और देखने में भी लगता है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डाला है सूजी 1 कप और आधा कप बेसन डाला है मैंने इसमें, और मैंने इसमें आधा कप दही भी डाला है और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है मैंने, हल्का सा नमक। आप इसमें चाहे तो वेजिटेबल भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वेजिटेबल्स नहीं डाला है क्योंकि बच्चे नहीं खाते इसमें वेजिटेबल्स डाल के, तो मैंने ऐसे प्लेन ही बनाया है। ज़्यादातर बच्चे मेरे प्लेन चीला ही खाते हैं। तो देखिए मैंने हल्का सा तेल डाला था और फैला दिया था पूरा बैटर, और एक तरफ से सिक गया था तो मैंने पलट के दूसरी तरफ से सेका उसको, तेल फिर से डाल दिया और मैं इसे घुमा घुमा के सेकूंगी ताकि अच्छे से तेल जो है उसे कोट हो जाए। देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है। और एक तरफ मैंने इधर सब्जी भी छोंक दी है, एक साथ बन जाएगा तो फिर आराम से बस दाल चावल दोपहर में बनाना रहेगा। और देखिए मैं सर्व कर रही हूँ सानवी के लिए, इसके बाद शिवाय के लिए बनाऊँगी। और सब्जी पकने ही वाली है मेरी, अब थोड़ी देर में हो जाएगी ये सब्जी। और सर देखिए इधर एक तरफ एक और चीला बन रहा है। तो आप लोग का संडे कैसा रहा हमें बताइएगा, और ब्लॉग देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। लिखो क्या लिख रहे हो शिवाय? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन वेरी गुड। और क्या लिखे हो? स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड बेटा। और क्या लिख रहे हो? लिखो 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 चलो। वेरी गुड। ए लिखे हो? डब्ल्यू। डब्ल्यू पूरा नहीं लिखे हो? लिखो लिखो। एच लिखो, एच लिख के दिखा। एच गुड।
एल लिखे हो, उल्टा एल लिखे हो, इधर नहीं जाता एल, एल इधर आता है। नहीं ये सब गंदा, क्या लिख? स्टैंडिंग लाइन है, वेरी गुड। नो नो, हाँ और थ्री वन जा थ्री, हाँ बैठ गए हम, चल। ये क्या है? ये क्या है? हम क्या बनाए हो? फाइव बनाए हो, अच्छा। ये क्या है? एम। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, एम है, एम है, सॉरी सॉरी एम। ये तो बस ऐसे ही कर देते हो। ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? सर्कल है। जीरो जीरो है, ओके जीरो। ये क्या है? टू। एल, एल, एल है, अच्छा इसको ऐसे करो, हाँ वेरी गुड। चलो ये क्या है? सी। सी, ये सी नहीं है, अ बना रहे हो आप ना, तो अ का स्टार्टिंग पार्ट है। चलो आगे अ बनाओ, अ से अनार बनाओ, बनाओ। नहीं अ से अनार, वेरी गुड। हाँ एक और सी बनाओ। सी क्या है? हाँ एक और सी बनाओ, और से अनार बनाना है ना आपको। बगी बगी देखो, अरे यहाँ बगी बगी नहीं आएगा। चलो एक छोटे साइज का लगभग 250 ग्राम या 200 ग्राम का लौकी था, उसको या तो उसको छील लिया था और मैंने उसे कद्दूकस में कद्दूकस कर लिया है। इसे हटा देते हैं और मैं इसका हलवा बनाने जा रही हूँ, लौकी का हलवा। और देखिए मैंने फिर इसमें अब मैं देसी घी डालूँगी और फिर इसे बनाऊँगी, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने देसी घी डाल दिया है और अभी ये गर्म हो रहा है, और धीरे धीरे गर्म जो है कर देंगे फ्लेम लो, और इसे दबा कर इसमें से जो थोड़ा सा रस निकलेगा उसे निकाल लेंगे और फिर इसे इस घी में भूनेंगे। देखिए मैंने घी में इसको डाल दिया है और अब इसे चलाते हुए भूनेंगे, अच्छे से पूरा भून लेंगे। और ये लौकी का हलवा है, पहले शादी के पहले जब मैं बैबो लक्ष्मी का व्रत करती थी फ्राइडे को, मतलब शुक्रवार करती थी, तो शाम को अक्सर हम लोग लौकी का या पपीते का हलवा ही बनाते थे भोग लगाने के लिए। मैं बनाती हूँ कभी कभार, ये मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए। देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, इंजॉय करते रहिए। देखिए हलवा है और बच्चे का प्रोग्राम है, इसमें एक आदमी के लिए बना रही हूँ, दो हो गए और बना ऐसे इसको पता नहीं देखिए इसमें मैंने चीनी डाल दिया है, 3 बड़े चम्मच चीनी डाला है मैंने, और ये सिर्फ एक ही आदमी के खाने के लिए है। और चीनी के रस में थोड़ा और पकेगा, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा खोआ मतलब मावा डाल दिया है और चीनी ने अपना रस छोड़ दिया था गर्म होकर, और अब इसको मैं इसमें थोड़ा देर मिक्स करूँगी। और फिर देखिए इसमें मैंने मावा मतलब कि खोआ डाल दिया है और चीनी ने अपना रस छोड़ दिया था, ये उसके रस में पक गया है पूरे अच्छे से, और आप देखिए गल के कितना थोड़ा हो गया है। इसके साथ अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची के दाने को कूट के उसका पाउडर बना के डाल देंगे। तो भी आपको मीठा खाने का मन है तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आपके पास खोआ मतलब मावा अगर नहीं मौजूद है तो आप मावा के बिना उस तरह भी बिना मावा के बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आगे भी पैटी से जब भी मीठा खाने का मन करें। ये टोटल इतना ही हुआ है और पतिदेव भी ऑफिस से आ गए हैं, मैं उन्हें देने चलती हूँ पानी पीने के लिए। तो आपने उम्मीद है आपने मेरा ब्लॉग इंजॉय किया होगा और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
ये हमारे घर का नया मेहमान, मतलब कि ये पौधा पूरा सूख गया था लेकिन इसमें हमेशा पानी डालती रहती थी। और ये देखिए इसमें से जड़ से ही निकल के आ गया एक, जो पतले वाले गुड़हल होते हैं नीचे जैसे फूल होते हैं वो वाला है ये, और ये पूरे सूखे पेड़ से आ गया। मैं हमेशा पानी डालती थी इसमें और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हो सकता है ये जो जड़ बची है इधर से भी कुछ निकले। कि जा जाए बूता जाए सनम देखे जिनगी भर खा तिर जखम हो जवन सोचा हमारा बारे में हमारा खातिर तोहर मोइल न रहे प्यार कालू परसो के कोइल न रहे भुला गइलू ऐसे जैसे भाइल न रहे प्यार कालू परसो के कोइल न रहे भुला गइलू ऐसे जैसे भाइल न